हे गाइस व्हाट इज अप, क्या हालचाल है आप लोगों के। और दोस्तों आज हम यहाँ पर रिव्यू करने वाले हैं नॉइस की नई स्मार्ट वॉच जो कि है नॉइस कलरफिट आइकॉन बज़। ये जो स्मार्ट वॉच है ये एक कॉलिंग स्मार्ट वॉच है। आई थिंक नॉइस की पहली कोई कॉलिंग स्मार्ट वॉच है और इसका जो प्राइस है वो है 3,499 रुपये। तो काफ़ी अच्छे खासे बजट प्राइस में यहाँ पर आपको एक कॉलिंग वॉच मिल रही है। तो आज की वीडियो में हम इसको अनबॉक्स करेंगे, इसके फीचर्स टेस्ट करेंगे और मैं बताऊँगा कि ये जो वॉच है कॉलिंग वाइज या फिर नॉर्मली आपको ये लेनी चाहिए या फिर नहीं। तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग से। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना और इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो अब आते हैं हमारी नॉइस कलरफिट आइकॉन बज़ की तरफ। तो सबसे पहले जो उसका बॉक्स है जैसा आप देख सकते हो वो कुछ इस तरह से है। ये वाली जो वॉच है ये है जेट ब्लैक कलर में, जिसको मैं कुछ दिनों से पहनकर यूज़ कर रहा हूँ जैसा आप देख सकते हो। लेकिन इसके अलावा ये कुछ और कलर्स में भी अवेलेबल है। तो मेरे पास यहाँ पर एक ऑलिव गोल्ड कलर है जो कुछ इस तरह से दिखता है गोल्ड डायल के साथ, और जो दूसरा कलर है वो है यहाँ पर सिल्वर ग्रे कलर और ये कुछ इस तरह से दिखती है। तो जल्दी से यहाँ पर ये जो सिल्वर ग्रे कलर है इसी को अनबॉक्स कर लेते हैं। तो बॉक्स है जैसा आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह से है और यहाँ पर लिखा हुआ है कॉलिंग स्मार्ट वॉच। पीछे की तरफ इसके फीचर्स है। तो यहाँ पर आपको 1.69 इंचेस का यहाँ पर टच स्क्रीन डिस्प्ले देखने को मिलता है। कॉलिंग फंक्शन है, यहाँ पर 7 डेज़ की बैटरी है, ब्लड और हार्ट रेट मॉनिटर है और उसके अलावा मल्टीपल स्पोर्ट मोड है और एंड्रॉयड और iOS दोनों को सपोर्ट करता है। और ये जो वॉच है इसका जो प्राइस है वो है 3,500 रुपये, लेकिन आई थिंक ये लॉन्च प्राइस है, उसके बाद ये थोड़ा बहुत बढ़ सकता है। तो जल्दी से अब इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। तो बॉक्स ओपन करते ही यहाँ पर सबसे पहले एक वेलकम नोट है जैसा आप देख सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर जो वॉच है कुछ इस तरह से आपको पैकेजिंग में देखने को मिलेगी। तो मैं इसको इसके जो बॉक्स से बाहर निकाल लेता हूँ। और ये रही हमारी नॉइस कलरफिट आइकॉन बज़ सिल्वर ग्रे कलर में। तो इसको हम थोड़ी देर में देखेंगे। और उसके अलावा जो बॉक्स में आपको यहाँ पर एक चार्जिंग केबल देखने को मिलती है और ये मैग्नेटिक केबल है पोगो कनेक्टर वाली। उसके बाद यहाँ पर कुछ स्टिकर्स हैं और यहाँ पर एक यूज़र मैनुअल है। तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन रहेगी इस वॉच के बारे में वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। तो ये तो थे जो बॉक्स के कॉन्टेंट, लेकिन अब आ जाते हैं हमारी वॉच की तरफ। और इसके ऊपर एक प्लास्टिक रैपर है तो मैं इसको हटा देता हूँ। और यहाँ पर जो वॉच है जैसा आप देख सकते हो वो कुछ इस तरह से है। और यहाँ पर एक चीज़ है कि स्क्रीन के ऊपर ही आपको एक स्क्रीन प्रोटेक्टर भी लगा दिया हुआ है, तो ये भी अच्छी बात है। लेकिन मैं ये जो स्क्रीन प्रोटेक्टर है इसे मैं हटा देता हूँ। और ये रही हमारी स्क्रीन और जैसे मैंने बोला 1.69 इंचेस की स्क्रीन है। तो इसको ऑन करेंगे, देखेंगे। उसके अलावा अगर मैं इसके डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करूँ तो जो डिज़ाइन है यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा डिज़ाइन है, काफ़ी प्रीमियम से दिखने वाली वॉच है। और अगर मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो ये जो फ्रेम है ये यहाँ पर पूरा मेटल का फ्रेम है, तो डेफिनेटली काफ़ी सही है। और यहाँ पर ये जो क्राउन है उस पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी नॉइस की एक ब्रांडिंग है और ये भी मेटल का क्राउन है। और लेकिन पीछे की तरफ यहाँ पर ये पॉलीकार्बोनेट है और यहीं पर ही आपको इसके जो सेंसर्स देखने को मिल जाएंगे। तो हार्ट रेट सेंसर है, SPO2 सेंसर है और नीचे इसके चार्जिंग पॉइंट है। और उसके बाद यहाँ पर इसके जो स्ट्रैप्स की बात करूँ तो जैसा आप देख सकते हो सिल्वर ग्रे कलर का जो स्ट्रैप है कुछ इस तरह से दिखता है। और जो स्ट्रैप्स की क्वालिटी है वो भी बोलूँगा कि यहाँ पर काफ़ी सही है। और ये जो स्ट्रैप्स हैं ये रिप्लेसेबल स्ट्रैप्स हैं, तो आप इजीली तरीके से इसको रिप्लेस कर सकते हो। आई थिंक ये 22 mm के स्ट्रैप्स रहेंगे। तो ओवरऑल इसका जो प्राइस है उसके हिसाब से यहाँ पर इसका डिज़ाइन बिल्ड क्वालिटी में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब जल्दी से इसको मैं ऑन कर लेता हूँ और इसके फीचर्स उसे यहाँ पर टेस्ट करते हैं। तो वॉच को ऑन करने के लिए आपको ये जो क्राउन का बटन है इसे प्रेस करके रखना है। तो यहाँ पर आई थिंक ये ऑन हो जानी चाहिए। तो नॉइस का यहाँ पर लोगो आ गया है। और उसके बाद अपने फोन में आपको एक ऐप इंस्टॉल करनी है नॉइस कलरफिट ट्रैक। तो वो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करी हुई है, तो इस वॉच को मैं पेयर कर लेता हूँ। तो ऐप ओपन करके आपको यहाँ पर ऐड ए डिवाइस पे टैप करना है और यहाँ पर जो आपकी वॉच है दिख जाएगी आइकन बज़, तो इस पर टैप कर दीजिए और ये जो वॉच है ये आपके फ़ोन के साथ यहाँ पर पेयर हो जाएगी। तो वॉच तो हमारे फ़ोन के साथ पेयर हो गई, लेकिन ब्लूटूथ कॉलिंग को यहाँ पर इसमें इनेबल करने के लिए आपको एक और स्टेप है उसे फॉलो करना होगा। तो अपने फ़ोन के ब्लूटूथ में जैसा आप देख सकते हो आइकन बज़ है ऑलरेडी यहाँ पर मैंने पेयर करा हुआ है, लेकिन उसके अलावा आपको आइकन बज़ _phone इस तरह का एक और यहाँ पर पेयरिंग डिवाइस आएगा। तो उस पर भी आपको टैप करके अपने फ़ोन के साथ पेयर कर लेना है यहाँ पर ब्लूटूथ कॉलिंग को इनेबल करने के लिए। तो ऐप की जो फंक्शनलिटीज़ है हम उसको आगे चेक करेंगे। लेकिन अब आते हैं हमारी वॉच की तरफ। तो सबसे पहले इसी के फीचर हैं उसे यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले जैसा मैंने बताया था यहाँ पर आपको 1.69 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले देखने को मिलता है और जो स्क्रीन की क्वालिटी है यहाँ पर वो काफ़ी अच्छी खासी है, काफ़ी शार्प डिस्प्ले है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो डिफॉल्ट वॉच फेस है कुछ इस तरह से है, लेकिन इसको अगर आपको चेंज करना होगा स्क्रीन को होल्ड करना है और यहाँ पर आप अलग अलग जो वॉच फेसेस हैं उसे यहाँ पर चूज़ कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, लेकिन इसके अलावा भी आपको और वॉच फेसेस अगर आपको यहाँ पर इंस्टॉल करने होंगे तो आप इसके ऐप के थ्रू भी यहाँ पर चेंज कर सकते हो। इसके अलावा वॉच के जो फंक्शंस की बात करूँ तो उसके लिए मैं जो वॉच यूज़ कर रहा था वो मैं यहाँ पर उसमें दिखाता हूँ ताकि थोड़ा बहुत डेटा वगैरह भी आप देख पाओ। तो होम स्क्रीन पर अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ स्वाइप करते हो तो आपका नोटिफिकेशन पैनल है और जितने भी नोटिफिकेशन मैसेजेस वगैरह है वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। उसके बाद होम स्क्रीन से नीचे से ऊपर की तरफ स्वाइप करोगे तो क्विक टॉगल बटन है, तो यहाँ पर आपका कनेक्शन स्टेटस, जो टाइम और बैटरी वगैरह आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ कुछ आइकन्स हैं। तो सबसे पहले डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन है, तो अगर आप नहीं चाहते नोटिफिकेशन वगैरह आपको नहीं आए तो यहाँ से आप इनेबल कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो यहाँ पर है ब्राइटनेस का और यहाँ पर आपको 4 लेवल ऑफ ब्राइटनेस आपको देखने को मिलती है। तो 3 पे मैंने यहाँ पर रखी हुई है और ब्राइटनेस बोलूँगा कि यहाँ पर ठीक है। उसके बाद फाइंड माय फ़ोन का ऑप्शन है, तो आपका फ़ोन वगैरह इधर उधर पड़ा है तो यहाँ पर वो रिंग करेगा। और उसके बाद सेटिंग का ऑप्शन है, तो यहाँ पर डायल का ऑप्शन है, वॉच फेसेस वगैरह आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ब्राइटनेस का ऑप्शन है, अबाउट, पावर ऑफ, रीसेट और रीस्टार्ट का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद होम स्क्रीन से अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ स्वाइप करोगे तो आपके शॉर्टकट कार्ड्स हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके जो स्टेप काउंट्स हैं, कितने आपने स्टेप्स काउंट किए, और स्वाइप करोगे नीचे की तरफ तो कैलरी कितनी बर्न करी, कितना डिस्टेंस कवर किया, और यहाँ पर लास्ट जो 24 आवर की जो एक्टिविटी की जो हिस्ट्री वगैरह वो भी आप देख सकते हो। और उसके अलावा और स्वाइप करोगे तो आपके जो स्लीप ट्रैकिंग के ऑप्शन हैं, फीचर्स हैं, वो यहाँ पर आप देख पाओगे। तो लास्ट नाइट की जो मेरी स्लीप थी 6 आवर 22 मिनट्स, लाइट स्लीप, डीप स्लीप। और अगर मैं स्वाइप करता हूँ तो यहाँ पर जो मेरा पैटर्न है, कब मैं सोया कब जागा, तो वो यहाँ से आप देख पाओगे। और उसके बाद और स्वाइप करोगे तो यहाँ पर हार्ट रेट मॉनिटरिंग का ऑप्शन है, SPO2 का यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसको जब मैं पहनूंगा तो चेक करेंगे। उसके अलावा वेदर का ऑप्शन है, तो करंट जो एरिया का वेदर आपको दिख जाएगा। और अगर आप स्वाइप करोगे तो नेक्स्ट 7 डेज़ का फोरकास्ट भी आप यहाँ पर देख सकते हो। और स्वाइप करोगे तो वापस से होम पे आ गए हो। लेकिन अगर आप राइट से लेफ्ट की तरफ स्वाइप करोगे तो इस वॉच के जितने भी फीचर्स हैं वो यहाँ से आप देख पाओगे। तो सबसे पहले नॉइस हेल्थ का फीचर है, और इसमें आपके जितने भी एक्टिविटी वाले फीचर्स रहेंगे वो आप यहाँ पर देख पाओगे। तो एक्टिविटी, हार्ट रेट, स्लीप और ब्लड ऑक्सीजन, तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और उसके बाद यहाँ पर स्पोर्ट्स का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपको कुछ स्पोर्ट्स मोड दिए हुए हैं, तो रनिंग है, वॉकिंग है, साइकिलिंग, हाइकिंग, क्लाइंबिंग, ट्रेडमिल और स्पिनिंग, योगा और फिटनेस। तो कुछ आपको यहाँ पर स्पोर्ट्स मोड देखने को मिलते हैं जो कि ठीक है। और उसके बाद मैसेजेस हैं, यानी कि जो आपके नोटिफिकेशन हैं वो यहाँ से भी आप देख सकते हो। नॉइस बस का ऑप्शन है, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक कॉलिंग वॉच है, तो आपके रीसेंट कॉल, डायल पैड और कॉन्टैक्ट आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। और कॉन्टैक्ट्स में आपको जो कॉन्टैक्ट्स ऐड करने हैं तो आपको इसके ऐप के थ्रू ऐड करने होंगे। और उसके अलावा डायल पैड से आप यहाँ पर जो नंबर्स वगैरह डायल कर सकते हो, तो इसको हम थोड़ी देर में टेस्ट करेंगे कैसे ये काम कर रहा है। और उसके बाद यहाँ पर वेदर का ऑप्शन है, और इस वॉच से अपने जो फ़ोन का कैमरा है वो भी आप यहाँ से कंट्रोल कर पाओगे, एज ए शटर इसको यूज़ करना हो तो। और उसके बाद यहाँ पर म्यूजिक का ऑप्शन है, तो प्ले पॉज कर सकते हो, नेक्स्ट प्रीवियस जा सकते हो, तो ट्रैक कंट्रोल कर सकते हो। स्टॉप वॉच आपको यहाँ पर दी हुई है, अलार्म है, टाइमर है। उसके बाद ऐप है, उसका QR कोड है, फाइंड माय फ़ोन का ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पर ब्रीथ का ऑप्शन है, तो अगर आप योगा वगैरह करते हो तो यहाँ से आप जो अपनी ब्रीथ है उसे कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पर आपको इनहेल और एक्सहेल करने को बोलेगा, एक एनिमेशन आता है। लेकिन यहाँ पर वाइब्रेट नहीं करती है वॉच, अगर वाइब्रेट करती तो थोड़ा सा और आइडिया रहता, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन है जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और इसके अलावा इस वॉच में आपको कुछ इनबिल्ट गेम्स भी देखने को मिलती है, जैसे एक फ्लॉपी बर्ड वाली गेम है। तो फ़ोन की स्क्रीन वैसे काफ़ी छोटी रहती है, तो यहाँ पर आप जो टैप करने वाली जो गेम्स होती हैं वो यहाँ पर आप खेल सकते हो। और मैं बोलूँगा कि यहाँ पर ठीक है, काफ़ी स्मूथ चल रही है गेम। और उसके अलावा जो दूसरी जो गेम है वो है यहाँ पर हैमस्टर, तो यहाँ पर आपको इस तरह से भी इसमें टैप करना है और जैसे कुछ जो मारने, तो हमारी गेम ओवर हो गई है। लेकिन जो कुछ आपको इनबिल्ट गेम मिलती हैं ठीक है, आप यहाँ पर खेल सकते हो। उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन है वो यहाँ पर AI वॉइस का, और ये एक तरह से आपका गूगल असिस्टेंट सीरी एक्सेस करने के लिए। और जैसे आप इस पर टैप करोगे तो आपके फ़ोन में यहाँ पर गूगल असिस्टेंट है वो इनेबल हो जाता है। तो ये तो इस वॉच के फीचर्स हैं। और एक चीज़ बोलूँगा कि यहाँ पर जो टच रिस्पॉन्स है इस वॉच का वो यहाँ पर काफ़ी स्मूथ है, और किसी तरह का यहाँ पर कोई लैग नहीं देखने को मिलता है, तो मुझे ये चीज़ काफ़ी सही लगी है। तो दोस्तों ये तो इस वॉच के फीचर्स हैं, और फीचर्स वाइज मैं बोलूँगा कि यहाँ पर ठीक ठाक है। बहुत ज़्यादा ऐसे फीचर इस वॉच तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी यहाँ पर जो मेन फीचर्स हैं आपको सारे देखने को मिलते हैं। और एक और चीज़, मुझे यहाँ पर इस वॉच का जो टच रिस्पॉन्स है वो यहाँ पर काफ़ी स्मूथ लगा, जैसा आप देख सकते हो। किसी तरह का कोई लैग वगैरह नहीं है। तो अब एक बार मैं इसको पहन लेता हूँ। इसके जो हार्ट रेट सेंसर SPO2 है उसको यहाँ पर चेक कर लेते हैं, और इसका जो मेन फीचर है जो कि कॉलिंग का फीचर है उसको भी यहाँ पर चेकआउट कर लेते हैं कैसे काम कर रहा है। और वॉच पहनने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखती है। इन हैंड फील में बोलूँगा कि काफ़ी सही है, काफ़ी प्रीमियम सी लगती है वॉच, और जो सिल्वर ग्रे कलर है वो मुझे काफ़ी पसंद आया वैसे। लेकिन यहाँ पर अगर मैं इसके कंफर्ट लेवल की बात करूँ तो डेफिनेटली यहाँ पर जो स्ट्रैप्स की क्वालिटी है वो काफ़ी सॉफ्ट है। रात को पहनकर आराम से सो सकते हो, कोई आपको यहाँ पर डिस्कम्फर्ट नहीं होगा। तो अब एक बार इसका जो हार्ट रेट सेंसर है SPO2 है उसको भी यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हार्ट रेट है उसको यहाँ पर मेजर कर लेते हैं। तो ये जो वॉच है ये कॉन्टिन्यूस हार्ट रेट मॉनिटरिंग है उसे सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर ये मेरा बता रहा है 86 बीट्स पर मिनट, तो ये भी सही है। उसके अलावा यहाँ पर SPO2 है उसको भी चेक कर लेते हैं। और मैं हमेशा की तरह बोलूँगा कि ये जो वॉचेज़ हैं कोई मेडिकल इक्विपमेंट नहीं है, सिर्फ आप इनको आइडिया लेने के लिए यूज़ कर सकते हो। लेकिन अभी यहाँ पर ये मेरे ब्लड में जो ऑक्सीजन का लेवल है उसे यहाँ पर चेक करेगा और बताएगा कि मेरे ब्लड में जो ऑक्सीजन है वो कितनी है। तो अभी ये मेजर कर रहा है और इसने बता दिया है 97%। तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पर ये भी ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली इसको एक बार टेबल पर रख के भी चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर ये टेबल की रीडिंग है उसे लेता है या फिर नहीं। तो यहाँ पर एक एरर आ गया है टेबल पर रख के कि यहाँ पर आपको इसको पहनना होगा। और उसके बाद यहाँ पर SPO2 है उसको भी चेक करें टेबल पर रख के। तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी एरर आ गया है, तो टेबल पर रख के यहाँ पर रीडिंग्स वगैरह नहीं लेता है। तो अब इस वॉच का जो मेन फीचर है जो कि कॉलिंग फीचर है उसको भी यहाँ पर टेस्ट कर लेते हैं। और इसके लिए अपने वॉच में आपको यहाँ पर नॉइस बज ऑप्शन में जाना है, और अगर आपको कोई नंबर डायल करना है तो यहाँ पर आप डायल पैड से भी कर सकते हो, नंबर सीधा यहाँ पर टाइप करके। लेकिन इसके अलावा अगर आपने इसकी ऐप से जो कॉन्टैक्ट सिंक किए हैं तो आप कॉन्टैक्ट में जाकर वो भी कॉन्टैक्ट भी डायल कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर एक नंबर है उसे डायल कर देता हूँ और देखते हैं यहाँ पर इसके जो स्पीकर की माइक की क्वालिटी है वो कैसी है। तो अभी मैंने नंबर डायल कर दिया है, रिंग कर रही है। हेलो अच्छा, तो अब मैं वॉच पे बात कर रहा हूँ, इसकी जो साउंड कैसी आ रही है अभी? साउंड इसकी ठीक है, बट मैं जैसे वही बोल रही हूँ ना, आवाज़ क्लियर है, सब कुछ है, बट थोड़ी सी गूंज रही है आवाज़। मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं जैसे स्पीकर पे बात कर रहा हूँ, फ़ोन पे। हाँ, ऐसा लग रहा है कि आप स्पीकर से बात कर रहे हो। नॉर्मल ऐसा नहीं लग रहा कि आप फ़ोन से बात कर रहे हो कि आप स्पीकर से बात कर रहे हो। अच्छा, ठीक है। तो जैसा आपने सुना, यहाँ पर जो इसकी जो स्पीकर की क्वालिटी है वो मुझे काफ़ी सही लगी, काफ़ी लाउड है, लेकिन जो माइक की क्वालिटी है वो यहाँ पर ठीक है। तो कॉलिंग वगैरह के हिसाब से आप इसको यूज़ कर ही सकते हो। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर कॉल नोटिफिकेशंस की बात करूँ, तो कॉल आने पर कुछ इस तरह से नोटिफिकेशन रहेगी, तो कॉलर का नाम आता है, और इवन यहाँ पर ये जो वॉच है ये रिंग कर रही है, तो यहाँ पर आप कॉल उठा सकते हो, कॉल काट सकते हो। उसके अलावा ये जो कॉल है आप इसको म्यूट कर सकते हो, और अगर आप ये कॉल अपने फ़ोन पे लेना चाहते हो वॉच के अलावा, तो यहाँ से आप इसको अपनी कॉल है उसे ट्रांसफ़र कर सकते हो फ़ोन पे। और उसके अलावा अगर आपको जो स्पीकर का जो वॉल्यूम है उसे इंक्रीज़ डिक्रीज़ करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। तो ये कुछ ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलते हैं जो कि बोलूँगी काफ़ी सही है। बाकी मैसेज नोटिफिकेशन हैं वो आपको कुछ इस तरह से मिलती है, तो मैसेज पढ़ सकते हो, लेकिन यहाँ पर जो इमोजी का सपोर्ट है वो आपको नहीं मिलता है। तो ये तो बात हुई इस वॉच के फीचर्स के बारे में, लेकिन अब आते हैं इसकी ऐप की तरफ। और जैसे मैंने बोला था आपको यहाँ पर नॉइस कलरफिट ट्रैक करके जो ऐप है उसे इंस्टॉल करना है। तो जैसे ही आप ये जो ऐप ओपन करोगे तो सबसे पहले आपको आपकी जो ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ से देख सकते हो। तो सबसे पहले आपने जो कितने स्टेप्स काउंट किए, कितनी कैलोरी बर्न करी है, वो सारी इन्फॉर्मेशन है। उसके अलावा जो स्लीप ट्रैकिंग है उसकी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो, और हार्ट रेट है, कॉन्टीन्यूस हार्ट रेट मॉनिटरिंग, ब्लड ऑक्सीजन, और आपकी जो एक्टिविटीज़ वाले जितने भी ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन है। और किसी भी टैप करोगे तो और डिटेल में आप जो भी उसकी जो डिटेल है वो आप देख पाओगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो यहाँ पर है वॉच के जो सेटिंग्स वगैरह का, और यहाँ पर आपको सबसे पहले तो आपका कनेक्शन स्टेटस, बैटरी स्टेटस है वो देख सकते हो। उसके अलावा वॉच फेस अगर आपको चेंज करने हो तो ये इसके कुछ डिफॉल्ट वॉच फेसेस है, लेकिन अगर आपको और वॉच फेसेस इंस्टॉल करने हैं तो आप यहाँ पर मोर वॉच फेसेस पे टैप करोगे तो यहाँ पर कुछ क्लाउड बेस्ड वॉच फेसेस हैं, यहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हो। और जैसा आप देख सकते हो काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। उसके अलावा वॉच की नोटिफिकेशंस हैं, उसको अगर आपको इनेबल डिसेबल करना है तो वो यहाँ से कर सकते हो। तो कौन सी ऐप से आपको नोटिफिकेशन चाहिए वो यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है अलार्म्स का, तो अलार्म्स आपको सेट करना हो तो ये ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद शटर का ऑप्शन है, तो अपने वॉच से आप यहाँ पर फोटोज़ खींचना चाहो तो वो खींच सकते हो, तो यहाँ पर खींच गई ये फोटो। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर फेवरेट कॉन्टैक्ट्स का, और जैसे मैंने बताया था अपनी वॉच में अगर आपको कुछ कॉन्टैक्ट्स है उसे सेव रखना है तो यहाँ से आप उसको ऐड कर सकते हो। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है वो है अदर का, तो सबसे पहले यहाँ पर फाइंड डिवाइस का ऑप्शन है, टाइम फॉर्मेट यूनिट सिस्टम है, इसको यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन है, रिमाइंड टू मूव का ऑप्शन दिया हुआ है, कॉन्टीन्यूस हार्ट रेट डिटेक्शन का जो ऑप्शन है यहाँ से आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो। और उसके अलावा आपको अगर वॉच से जो म्यूजिक कंट्रोल करना है तो यहाँ से आप वो कर पाओगे। लैंग्वेज का ऑप्शन है, स्क्रीन टाइम आउट जो आपको अगर बढ़ाना है तो यहाँ से आप बढ़ा सकते हो, रीसेट का ऑप्शन है। उसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर एक क्विक व्यू, जो कि बेसिकली रेस टू वेक वाला फीचर है, जैसे अपनी वॉच है ऊपर की तरफ करते हो तो यहाँ पर उसकी जो स्क्रीन ऑन हो जाएगी तो वो यहाँ से आप इनेबल डिसेबल कर पाओगे। वेदर का ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ से आप टेम्परेचर और सिटी वगैरह सेट कर सकते हो। उसके बाद लास्ट जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आपका पर्सनल प्रोफाइल है, तो यहाँ से आप गोल वगैरह सेट कर सकते हो। तो ये इसके जो ऐप के फीचर्स हैं, और मैं बोलूँगा कि ऐप भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी है। तो दोस्तों ये तो है नॉइस कलरफिट आइकन बज़, और जो इसका प्राइस है 3500 रुपये। उसके हिसाब से यहाँ पर आपको जो बिल्ड क्वालिटी, डिज़ाइन वगैरह मिलता है काफ़ी प्रीमियम सा लगता है, और इवन यहाँ पर आपको जो फीचर्स मिल रहे हैं वो भी काफ़ी सही है। और जैसा आपने देखा जो कॉलिंग का फीचर है इस स्मार्ट वॉच में वो भी काफ़ी सही तरीके से काम कर रहा है, और काफ़ी अच्छे तरीके से आप इस पर कॉलिंग वगैरह ले सकते हो। तो मुझे यहाँ पर ये जो नॉइस कलरफिट आइकन बज़ है डेफिनेटली यहाँ पर इसके प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफ़ी सही लगी है। और अगर आपको कोई कॉलिंग वॉच चाहिए 3500 रुपये के आसपास में तो डेफिनेटली आप इसको चेकआउट कर सकते हो। तो आपको कैसी लगी ये नॉइस कलरफिट आइकन बज़ स्मार्ट वॉच, ये आप मुझे कमेंट करके बताओ। और अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक कर देना, और इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, और मैं बना